दिल्ली अप टू डेट। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में चल रहा है कृषि विज्ञान मेला, जो 1 तारीख से 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक चलेगा। चलिए दिखवाते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट में कि क्या है इस कृषि मेले में। चलिए हमारे साथ आपको दिखवाते हैं कृषि मेले का पूरा मंजर। कृषि मेले में आए हुए कुछ दर्शक हमारे साथ में हैं। चलिए मिलते हैं इनसे, पूछते हैं पूरा इनका अनुभव कैसा रहा। आपका नाम? मेरा नाम राम निवास बालगुवेर है। कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो कृषि मेले के अंदर क्या? कृषि मेले के अंदर एक्चुअली में हम जो है ना पशु मेला देखने के उसमें आए थे, लेकिन इस बार इन्होंने पशु मेला नहीं, पशु लेकर नहीं आए। जो बरेली का प्रोजेक्ट है, हरियाणा मथुरा का बकरी का जो प्रोजेक्ट है, हम वो लेने के लिए आए थे बकरी, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। लेकिन उसके मुताबिक फिर भी यहाँ पर जो मेले में फूलों का और जो दूसरे जो प्रोडक्ट है, हमने अभी शहद भी लिया इनसे और फूलों के वो कुछ वो बीज भी लिए हमने इनसे, तो काफ़ी अच्छा है। और हम पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर हर साल आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजू है, मैं उत्तर प्रदेश यूपी से आया हूँ। हम देख रहे हैं कि आजकल मिलावटी चीज़ें ज़्यादा चल रही है खाद्य में, तो हम यहाँ से ऑर्गेनिक सब्जी वगैरह की जानकारी और कैसे उसको पैदा करें, मतलब खाने में शुद्धता लाई जाए जिससे कि हम फिट एंड फाइन रहें। यानी कहीं ना कहीं जो मिलावटी दौर है उसके प्रति सजग हो गया आज का ग्राहक। बिल्कुल, ऑर्गेनिक या अपने जैसे पहले घर के खाद से गोबर खाद ये सब इस्तेमाल हो तो बेटर है, हमें यही जानकारी मिली है। मैं जीपी सिंह। कहाँ से आए सर? उत्तर प्रदेश गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। क्या सर रहा आपका अनुभव, क्या रहा है यहाँ? तो गवर्नमेंट तो पैसा बहुत खर्चा करती है और यहाँ के वैज्ञानिक बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा इनका प्रयास बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि रिसर्च पर पैसा खर्च नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा बोला नहीं, आपने मेरा उसका अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो। आपने कहा ना गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है, मतलब अच्छी बात है कि गवर्नमेंट को रिसर्च पर पैसा खर्च करना खर्च करती है, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं, अगर वो सुधार देते तो काफ़ी फायदा होता। देखो जी, जो आदमी काम करेगा तो कमियां करेगा। वो त्रुटि का में क्या है, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल माइन्यूट त्रुटियाँ हैं जो यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं, जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं रिलेटिव, उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब बोलोगे क्या, अगर आप पूछा जाएंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ, बोली बोली। यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है पॉली हाउस, जो लोकल जो छोटे किसान, हमारे जैसे छोटे किसानों के लिए प्लॉट किया हुआ है, उन्होंने मॉडल तो लगा दिया है, लेकिन उस पर उसका डायमेंशन नहीं लिखा हुआ है, उसका कास्ट नहीं लिखा हुआ है। तो एक आदमी घर जा कर अगर हम प्राइवेट अपना बनाना चाहें, ओन बनाना चाहें, तो कैसे बनाएंगे? छोड़िए, यहाँ पर कितने इक्विपमेंट लेआउट किए हैं, मैं कल भी आया था और आज भी आया हूँ। मैं यहाँ पर जा कर के इनके वैज्ञानिकों को बताया भी, सर ये त्रुटियाँ इनको संभाल लीजिए, तो हमारे इस कितने दूर से लोग, आप लोगों का टाइम प्रीसियस अमूल्य है, हम लोग भी कितना दूर से आते हैं बिना खाए पिए ऐसे रह करके, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी आप इम्प्रूवमेंट कर लेंगे तो बहुत हम लोगों का लाभ हो जाएगा, जो किसानों का लाभ हो जाएगा। बोलने के लिए तो अभी माननीय जो IRA के डायरेक्टर साहब हैं माननीय AK सिंह, उन्होंने बोला कि सभी लोग मोदी जी का नाम ले रहे हैं कि किसान का दोगुना कर दो, लेकिन कैसे कर दें, जो बता रहे हैं उसमें उसको सुधार ही नहीं रहे। लोग बोल रहे हैं कि हम कास्ट कम कर रहे हैं, कास्ट कम तो कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए आज की डेट में अगर हम बीज बुआई का यंत्र है कोई, अभी यांत्रिकी में यंत्र बनाया हुआ है, तो कोई रोड पर हम उसका यूज करेंगे नहीं, तो पहले ही क्यों नहीं उस पर GST क्यों लगाते हैं, उस पर सामान क्यों लगाते हैं, ऑलरेडी उसका मूल्य कम हो जाएगा, इस पर तो कोई सोचता नहीं है। कितना परफॉर्मा बना क्या जरूरत है, हम किसान जाएंगे दुकान पर खरीदेंगे और उसका सब्सिडी हमारे ट्रांसफर में आ जाएगा और उनको हम लोड, ऐसा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसा कि और सुनिए, अगर सुनना चाहते हैं तो मेरा माइन्यूटली जो ऑब्जर्वेशन वो बता रहा हूँ आपको। और जो अभी मैं वहाँ पर एक लेआउट बोले हैं कि ये IRA के लिए एक इक्विपमेंट आया हुआ है, पीछे आप जा कर देख लेंगे, आप वीडियो बना लीजिए जा करके। मैं बोला एक क्या है, बोला एक इक्विपमेंट है छोटे प्लाट के लिए, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। मैं बोला इसका फंक्शनिंग क्या है, इसका यूज क्या है,
तो कोई यहाँ बताने वाला नहीं है, तो जो लेआउट करके अगर हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, कोई बताने वाला नहीं है, तो उसका यूज क्या है? बोलते हैं यहाँ पर सिर्फ एरो मार्क दिखाने नहीं काम चलेगा, कि यहाँ पर एक भी इरीगेशन सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया है। तो यानी कि इस कृषि मेले से जहाँ लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, तो यहाँ की त्रुटियों की ओर भी कुछ त्रुटियाँ नहीं है, ध्यान दिलवाया गया है। यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं से उसको मेंटेन भी किया जाना चाहिए।